हेलो दोस्तों, शिव साई इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम एक पानी गर्म करने की इमर्शन रॉड रिपेयर करने वाले हैं। और देखिए, ये हमारे पास एक पानी गर्म करने की रॉड है और इसकी वायर वगैरह अभी हमने पहले से ही निकाल दी थी। और चलिए अभी शुरू करते हैं। इसकी ये कनेक्टर डब्बी खोल लेते हैं और देखते हैं। देखिए, ये हमने इसकी कनेक्टर डब्बी खोल ली है और ये अभी ये एम पत्ती है जो इसको होल्ड करके रखती है रॉड को, तो इसको भी हम खोल लेते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके जो कनेक्टर पिन है वो बिल्कुल ही एकदम, पहले मैं इसको रिपेयर कर रहा था और इसके स्क्रू खोलते समय ये दोनों ही इसकी पिन टूट गई थी और इसमें बिल्कुल भी वायरिंग करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। तो आज हम इसी को रिपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, हम इसको किस तरह से इसकी पिनों को थोड़ा सा निकाल लेंगे अंदर से, और ताकि हम इसका कनेक्शन फिर दोबारा से कर सकें और हमारी रोड फिर से वर्किंग कंडीशन में आ सके। तो चलिए, ये हमारे पास एक आरी है छोटी सी, आप आरी का ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये जो पिन है ये यहाँ तक होती है और हम इसको आधा इंच के करीब इसको कट करेंगे। और दोस्तों, आपने ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही एकदम से नहीं काट देना है। ये जो ऊपर का जो पाइप है रोड का, इसी को ही चारों तरफ से आपने कट करना है धीरे धीरे। और ये पतला सा पाइप होता है और धीरे धीरे कट करते जाएंगे और इसको घुमा घुमा के काट लेंगे। और ये प्लास से थोड़ा सा हल्का हल्का दबा के, इसमें एक कोई वाइट वाइट पाउडर सा निकलता है और वो निकलेगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसको धीरे धीरे आप इसको प्रेस करते हुए ये पाइपों को, जो हमने पाइप कट किया है, इसको निकाल लेना है और बहुत ही सावधानी से निकालना है। दोस्तों, अंदर की हमारी पिन बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए। अगर हमारी अंदर की जो पिन है वो अगर हमारी हिल जाती है तो हमारा अंदर से जो एलिमेंट के साथ वो पिन कनेक्ट हुई हुई है तो वो डिसकनेक्ट हो जाएगी, तो बिल्कुल हमारी रोड फिर बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। तो देखिए, ये हम बिल्कुल धीरे धीरे करके घुमा घुमा के, और ये जो पाइप है इसके ऊपर, पिन के ऊपर में ये कुछ केमिकल्स है, ये लिक्विड केमिकल लगा के ये ड्राई कर देते हैं और फिर ये वहीं पर ही जम जाता है। तो देखिए, ये हमारी ये पिन निकल गई है। तो अब इसको दूसरे वाले को भी हम उसी तरीके से कट कर लेंगे और इसको भी धीरे धीरे करके बड़े सावधानी पूर्वक इसको भी हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपने इसका इसको निकालना है और प्लास से देखिए दबा दबा के इसको निकालना है और बहुत ही सावधानी से, ताकि पिन डैमेज ना हो। तो देखिए दोस्तों, ये हमने ये दूसरा भी निकाल लिया है और ये देखिए हमारी पिनें काफ़ी हो गई हैं बड़ी, तो इनमें स्पेस हमें मिल गया है कनेक्शन करने के लिए। और ये रेगमार से इन पिनों को हम साफ़ कर लेंगे, जो भी इस पे जंग वगैरह, जो भी मिट्टी वगैरह, ये जो अंदर से पाउडर वगैरह निकलता है वो जो लगा होगा, तो सारा क्लियर कर लेंगे और फिर हम इसके करेंगे कनेक्शन। तो दोस्तों देखिए, ये हो गया हमारा रेडी और अब करते हैं कनेक्शन। ये चीनी मिट्टी के जो वाशर हैं ये हम इसमें लगा लेते हैं, और ये जो चीनी मिट्टी के वाशर हैं ये हमें शॉर्ट होने से बचाते हैं। जो रॉड के और हम कनेक्शन करते हैं उसके बीच में ये लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं तो वायर
इसके रॉड की बॉडी के साथ में टच होके आप अर्थ भी हो सकती है, अर्थ का मतलब ये जो शॉर्ट हो सकती है, करंट भी आ सकता है इसमें। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपने ये करना है। और देखिए ये हमारे पास जो कनेक्टर हैं ये हमने इस पे लगा दिए हैं और हम इनको टाइट कर देंगे। इनसे हमें कनेक्शन करने में बहुत ही मदद मिलेगी, जो वायर जो हमारी है इनके अंदर बहुत इजीली फिट हो जाएगी। इनमें जो स्क्रू लगे होते हैं उसको लूज़ करके और इसके अंदर हम वायर फिट करके और स्क्रू टाइट कर देंगे तो हमारी वायर एकदम से टाइट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास ये वायर इसी की वायर रोड की वायर थी जो हमने पहले निकाल के रख दी थी, तो अब हम इसी को लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें लाल और एक काली दो वायर हैं, उन दोनों को ही लगाना है। ग्रीन वायर को आप इसके साथ नहीं लगाना है। ग्रीन वायर कहाँ लगानी है वो मैं भी बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको ये दो वायर हैं जो लाल और काली है, इन्हीं को ही लगाना है। और ये कहीं कोई से भी पॉइंट पे आप लगा सकते हो, इसका कोई वो नहीं है कि अभी एक कौन सी कहाँ लगेगी। बाकी ये दोनों वायरों में से दोनों आप कोई से भी पॉइंट पे लगा सकते हो। तो देखिए ये हमने लगा ली हैं, तो इसको भी हम टाइट कर देते हैं वायर को। तो देखिए ये लग चुकी है अब हमारी वायर, और अब हम डब्बी में इसको टाइट कर लेंगे। तो ये जो हमारी अब ये ग्रीन वाली वायर है इसको भी हम छील लेते हैं, ये अर्थ की है। तो इसको जो हमारे पास एक एम टाइप की पत्ती होती है उसके साथ में इसको अटैच करके लगाएंगे। जो एम टाइप की पत्ती होती है दोस्तों वो हमारे इस रोड को कनेक्ट करते हैं, उस बिल्कुल टाइट रखती है। तो ये देखिए ये हमने ये एक वाशर लगा दी है इसके अंदर ग्रीन वाली वायर में, ताकि इसके स्क्रू लगा सकें। तो ये हम टाइप की पत्ती के साथ में हमने ये ग्रीन वायर लगा ली है, और डब्बी के अंदर इसको लगाने के लिए ये अलग से एक होल दिया हुआ है, उसी में लगेगी दोस्तों। आगे वाले में नहीं, उसके पीछे वाले होल में ये लगेगी ये एम पत्ती। और ये जो एम पत्ती है अब हम इसको टाइट कर देते हैं डब्बी के साथ में। तो इसको टाइट करने से ये रोड जो है हमारी एकदम से फिट हो जाती है। और दोस्तों ध्यान रहे, ये जो एम पत्ती है ये बिल्कुल अच्छे से टाइट होनी चाहिए ताकि रोड हिले ना बिल्कुल अपनी जगह से। तो दोस्तों ये कनेक्शन अब हमारे हो गए हैं, और ये डब्बी का दूसरा पार्ट है ये भी हम अब इसके अंदर टाइट कर लेते हैं। और ये एक सपोर्ट पत्ती है जो बाल्टी वगैरह में हम लटकाने के काम में लेते हैं, तो इससे इस पत्ती को लगाने से हम बाल्टी में इजीली इसको हैंग कर सकते हैं। तो लगा देते हैं। तो दोस्तों अब ये हमारी रॉड बिल्कुल रेडी हो गई है। तो देखिए ये स्क्रू हमने ये डब्बी के टाइट कर दिए हैं, तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो देखा आपने इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी वायर के कनेक्शन करने के लिए, तो हमने ये इजीली कैसे इसको ठीक कर लिया है। और हम सोचते हैं कि भाई इसके पॉइंट तो अब टूट चुके हैं, तो ये हो गई है बेकार और हम फेंक देते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।